उड़ान वालों, उड़ान पर वक्त भारी है, परों की नहीं अब के हौसलों की बारी है। वो जंग हमने अभी लड़ी ही नहीं, तुम कह रहे हमने हारी है। ऐसे लोग जिनमें किसी के हाथ नहीं है, कोई अपने पैर खो चुका है, किसी को स्पीच प्रॉब्लम है, बोल नहीं सकता, इन्हें आप ने अक्सर चौराहों पर, लाल बत्तियों पर, स्टेशंस पर और दूसरे पब्लिक प्लेसेस पर भीख मांगते देखा होगा। लेकिन यहाँ मैं जो कुछ भी आपको दिखाने वाला हूँ, आपके अंदर स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने का एक सबक तो ज़रूर पैदा करेगा। ऐसे लोग जो ठीक से चल नहीं सकते, लेकिन जब उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए लोग देखे तो लगा लिए उम्मीदों के पंख और शुरू हुआ वहीं से मिट्टी कैफ़े एंड रेस्टोरेंट का सफ़र जिसकी हम बात कर रहे हैं। मिट्टी कैफ़े की शुरुआत आलीना आलम ने की थी ताकि उन दिव्यांगों को रोज़गार मिल सके जो फिज़िकली फिट नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको पीपल विद डिसेबिलिटी नहीं बोला, उन्होंने बताया कि दीज आर द पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़। और उनके इन प्रयासों से ये साबित भी हो गया कि वाकई इन लोगों में काबिलियत तो है, जिसे तराशने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ा सा स्किल और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। आपका नाम क्या है? बैरप्पा जी, जितने भी डिशेज हैं यहाँ पर, जितने भी प्रिपरेशंस हैं, स्नैक्स हैं, आप लोग खुद बनाते हैं? अच्छा, आप लोगों ने कम से कम ये साबित कर दिया है कि जो लोग विकलांगता के नाम पे भीख मांगते हैं ना, उनके लिए चैलेंज एक चुनौती है। आप लोग उनके गालों पे तमाचा है। आप लोग कम से कम आप स्वावलंबी हैं सभी लोग और पूरी तरीके से अपना काम करते हैं। और हम लोगों ने मिट्टी रेस्टोरेंट में मैगी ऑर्डर की थी और मैगी क्या खूबसूरत बन के आई है। चीज़ मैगी, कौन सी मैगी भाई? चिली चीज़ मैगी। इसमें चिली भी है, चीज़ भी है और मैगी भी है। वाह, मज़ा आ गया भाई, देख के इतनी अच्छी लग रही है, खा के कैसी लगती है बताता हूँ आपको दोस्तों। ये हमारी दूसरी फूड ब्लॉगिंग है। एक हमने लखनऊ में ठेले पे भाभी जी लगाती हैं पूड़ियाँ, उनका बनाया था, आज आपका बना रहा हूँ डियर। और बाकी जगह पे क्या है कि सेल्फ बाय योर सेल्फ की व्यवस्था होती है, लेकिन ये जो मिट्टी रेस्टोरेंट है जहाँ हम बैठे हुए हैं, भैया आपका क्या नाम है? आपको भी कुछ दिक्कत है बोलने में? दिक्कत है आपको? कार्तिक, आप काम करते हैं यहाँ पर? दोस्तों जितने भी एम्प्लॉई हैं यहाँ के, दे आर ऑलमोस्ट फिजिकली डिसेबल्ड, किसी के स्पीच की प्रॉब्लम है, किसी के अंदर मोटर डिसेबिलिटी है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स के बाद भी इन्होंने बता दिया कि देखिए प्रॉब्लम अपनी जगह पर है और काम का जज्बा अपनी जगह पर। हम लोगों ने मैगी का ऑर्डर किया था और क्या सुंदर मैगी बन के आई दोस्तों, देख के मन खुश हो गया। अभी खा के बताता हूँ कि कैसी है। शाबाश भैया, अकेले हैं या फिर शादी हो गई? शादी हो गई। वाइफ किधर है? इधर ही है। अरे ग्रेट, मजा आ गया दोस्तों। जब भी कभी आप लोग आइए बेंगलोर, मिट्टी मिट्टी नाम है, मिट्टी में लिट्टी छोड़ के सब मिलता है, खाइए कभी। मिट्टी में सोना उगा दिया है इन लोगों ने, कसम से दिल खुश हो गया। हमारी फ्लाइट में कुछ समय था, हालांकि बड़े बड़े ब्रांड आगे खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ पर सभी के दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, लेकिन वो सर्विस नहीं करते आप। अभी आपने देखा कि किस तरीके से लड़का मैगी लेकर के यहाँ तक आया है। ये है भारतीय संस्कृति दोस्तों। हेलो मैडम, भैया ने बताया कि शादी भी किया भैया ने आपसे। अच्छा लग रहा है देख के दोनों लोगों को। आप भी मिट्टी में काम करती हैं? हाँ सर। कब से काम कर रही मिट्टी में? हम 6 साल हो गया। 6 साल हो गया और इनको 7 साल हो गया, यानी शादी के पहले ये काम कर रहे थे यहाँ पे। आपको यही लेकर के आया यहाँ पे? अभी जो हम लोग मैगी खा रहे हैं वो आपने बनाई है? और ये वाह, देख लीजिए भाई,
कहते हैं यतना ऋषि पूछते रमंते तत् देवता, और महिला है फिजिकली और महिलाओं की तरह फिट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत टेस्टी मैगी बनाती हैं और बाकी सारे डिशेज बनाती हैं, तमाम सारी रेसिपी तैयार की हैं। आप लोग कभी बेंगलोर एयरपोर्ट पे आए तो मिट्टी आइए कभी मिट्टी में। बेंगलोर में है सर, 34 है। 34 है बेंगलोर में। 60 बताया उन्होंने, 80 34 है। अच्छा, आपका नाम क्या है मैडम? रूपा। रूपा, रूपा जी, ये आपको स्नेह करता है कि नहीं करता है? करता है। सम्मान करता है? करता है। सम्मान भी करता है? सम्मान बहुत जरूरी है, प्यार से भी ज़्यादा जरूरी है कि सम्मान के करें। चलिए हम भी आपको सम्मान करते हैं, नमन करते हैं। देखिए ज़मीन में बैठे घुटनों पर बैठ के सलाम कर रहे हैं आपको, नमन कर रहे हैं। रियली आप लोगों ने दिल खुश कर दिया ये दिखा करके बता करके कि लोग फिजिकली भले फिट ना हो लेकिन मेंटली फिट होने चाहिए, उनके दिमाग में और दिल में जुनून होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, और आप लोगों ने साबित किया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ में है अलीना मैडम। नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लखनऊ अदनपन पर। शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आके मिट्टी कैफे के बारे में बात कर सके। बहुत बहुत हमें खुशी महसूस हो रही है। अभी हम मुंबई में हैं लेकिन अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपसे शेयर करने के लिए कि मिट्टी कैफे क्या करता है। जी मैडम बताएं जरा। जी तो मैंने मिट्टी कैफे की शुरुआत कॉलेज में की थी उस एक सपने के साथ कि दुनिया लोगों की काबिलियत और सिर्फ काबिलियत पर ही गौर करे। तो जब मैंने मिट्टी कैफे की शुरुआत की थी तब हम कॉलेज स्टूडेंट थे और हम फाइनल सेमेस्टर में थे, प्लेसमेंट्स के लिए वेट कर रहे थे, और एक मैंने कहानी देखा एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू। हम एक कैरेक्टर से मिले जिन्होंने यू नो मेरा लाइफ काफ़ी बदल दिया। तो वो कैरेक्टर का नाम था नीरो। तो नीरो रोमन एम्परर के एक राजा थे, बहुत बहुत अमीर थे, मतलब एक के बाद एक युद्ध जीतते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि मतलब वो अपने जीवन के सबसे जो बड़ा युद्ध है वो जीत गए। और आप जीतते हो तो आप क्या करते हो? आप जश्न मनाते हो। तो उन्होंने बोला कि वो एक पार्टी करेंगे और उन्होंने दुनिया में बहुत जितने भी राजा रानी है उन लोग सबको इनवाइट किया पार्टी के लिए। और जब शाम हुआ तो उन्होंने बोला कि भाई हमें थोड़ा लाइट चाहिए पार्टी को रोशन करने के लिए, हैपनिंग बनाने के लिए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कचरा को जलाएंगे लाइट लाने के लिए, पार्टी में जश्न बनाने। बिल्कुल मैम। तो दैट इज व्हाट ही डिसाइडेड टू डू। उसके बाद उन्होंने जितने भी कैदी थे और जितने भी गरीब लोग थे मतलब जिनको उन्होंने कैद किया था युद्ध जीतने के बाद, उनको उन्होंने बोला कि वही कचरा है उनको ही जला डालो। तो हम तब कुछ 22 साल के होंगे, वो क्लासरूम में बैठ के मुझे बस एक चीज का रियलाइजेशन हुआ कि प्रॉब्लम नीरो है ही नहीं। हम लोग नीरो को इक्वेट कर सकते हैं अट्रोसिटीज के साथ, जो अन्याय हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, जो गलत हो रहा है दुनिया में, जो हमेशा होगा, लेकिन प्रॉब्लम वो है नहीं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नीरो था ही नहीं। प्रॉब्लम नीरो के जो गेस्ट थे, जो अतिथि थे, जो कैसे नाच सकते थे, गा सकते थे, पी सकते थे, जब मतलब फेलो ह्यूमन बींग मतलब जल के मर रहे थे, वो प्रॉब्लम थे। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम ही एक नीरो के अतिथि है, गेस्ट है। मेरी नानी को डिसेबिलिटी था लेकिन हम बड़े होते हुए मतलब ऑल दैट आई कुड सी उनमें कि हम उनमें एबिलिटीज ही देखे थे। सो मुझे नीरो का गेस्ट नहीं बनना था, तो मुझे एक ऐसा मॉडल चुनना था जिसमें जो विजिबल हो लेकिन सबको दिखता नहीं है, तो जो टैंजिबल हो, इंटरैक्टिव हो, और जिसका सक्सेस और फेलियर आपके ऊपर डिपेंड करेगा, कम्युनिटी के ऊपर। रियली अप्रिशिएटिंग। हाँ, और फूड या खाने से बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता लोगों को जोड़ने के लिए। तो फूड एज अ कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए प्लस अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और हमारी जो पहली एम्प्लॉय थी वो हाथ के बल चलकर आई थी क्योंकि उस वक्त उसके मतलब वो एक व्हील चेयर नहीं अफोर्ड कर सकती थी। आज वही लड़की मतलब अपने व्हील चेयर पर बैठ के 10 और लोगों को संभालती है। शी इज द मैनेजर फॉर आवर फर्स्ट कैफे। क्या नाम है मैम? कीर्ति। कीर्ति, कीर्ति नाम है। कीर्ति ने अपनी कीर्ति पूरे देश में फैला दी। जी देखा जाए तो मैम अभी कितने रेस्टोरेंट हैं अपने पास?
कितने कैफे अभी चला रहे हैं आप फोर्टी पूरे वन देश में? अभी हम लोग पूरे देश में 41 कैफेज चला रहे हैं, जो जिनको जो चलाते हैं सारी दिव्यांग हैं, और जिनको आइदर फिजिकल इंटेलेक्चुअल या फिर साइकियाट्रिक डिसेबिलिटी है। किसी शायर ने बड़ा अच्छा लिखा है मैडम कि इंतहा बर्फ की हो लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। और आपने साबित कर दिया अपने प्रयासों से, आप रियली बहुत बड़ा काम कर रही हैं और पूरे देश के लिए आप एक मोटिवेशन है मैडम, जिन्होंने दिखा दिया है। और मैंने लिखा भी देखा है आपके रेस्टोरेंट में, तो लोग लिखते हैं पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटी, लेकिन आपने लिखा हुआ है पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज, रियली दे आर डूइंग सो। थैंक यू सो मच बात करने के लिए मैडम हमसे। देखते रहिए लखनऊ दनफन। आप एमपी सिंह के साथ बात कर रहे थे, काफी अच्छा लगा मैडम। थैंक यू सो मच, जी, हमें थैंक यू सो बहुत मच, अच्छा कीप लगा। ऑन थैंक डूइंग द यू। जॉब। थैंक्स। लखनऊ में खोली एक ब्रांच, खोलिए, स्वागत है लखनऊ में। लखनऊ तो बहुत खान पान का शहर है, और मैं चाहता हूँ कि जो लखनऊ के हमारे फिजिकली डिसेबल्ड साथी हैं वो स्वावलंबी बनेंगे और उनके अंदर एक काम करने का जज्बा पैदा होगा, ठीक है ना?